नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हम पूरी DSR की टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस वक्त हम लोग आउटडोर लोकेशन पे हैं, एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग पे आए हुए हैं और हमारे DSR की तरफ से पूरे 7 स्टूडेंट जो है, जूनियर और सीनियर जो है, इस शॉर्ट फिल्म में काम कर रहे हैं। बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आउटडोर लोकेशन बहुत प्यारी है, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है, मौसम बहुत सुहाना है और बहुत ही उत्सुक हैं ये लोग और काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि हमारे जो जितने भी टीम है वो काफ़ी अच्छा तरक्की कर रहे हैं। चलिए उनसे पूछते हैं उनको कैसा लग रहा है यहाँ पे काम करके। सबसे पहले पूछते हैं गिनीलाल सालुंके जी, कैसा लग रहा है? नमस्कार, मैं गिनीलाल सालुंके DSR स्कूल का एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ और धनसिंह सर, हम यहाँ पे एक शॉर्ट फिल्म के लिए आए हैं। हमारे मतलब सारे कम से कम नहीं तो भी 7 बच्चे हैं यहाँ पे शूट के लिए हमको बुलाया गया है और मौसम बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरत वादियाँ है, झाड़ी है, पत्ते हैं, झरने हैं, पेड़ है, पंछियों की किलकिलाहट है, आप सुन रहे हैं। और इतने खूबसूरत माहौल में हमें फिल्म का जो एक मौका मिला है हमारे DSR स्कूल की ओर से, तो ये बहुत ही हमको मतलब कि सराहनीय है, बहुत ही आनंददायक है, बहुत ही मज़ेदार है। ये सफ़र हमारा बहुत ही खूबसूरत है और इसमें मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि हमारे धनसिंह सर के साथ हम एक साथ यहाँ पे मतलब कि हाजिर है और हमारी फिल्म का शूट चल रहा है जिसमें खूबसूरत बच्चे हैं और इन्होंने भी बहुत खूबसूरत काम किया है। आप उनसे ही पूछिए उन्होंने क्या क्या किया है। ये थे गिरिनाल सालुंके जी, जिन्होंने अपने विचार आपके सामने रखे। इनके बाद मैं पूछना चाहता हूँ इनके सुपुत्र मधुर सालुंके, जो कि बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही रियल एक्टर हैं, उन्होंने साबित करके दिखाया है और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं उनके साथ है। चलिए पूछते हैं मधुर सालुंके। मधुर, कैसा लग रहा है बेटा आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर कि मुझे दूसरी बार मौका मिला मुझे कुछ काम करने के लिए और ये सब मेरे सर की वजह से हुआ है, जिन्होंने मुझे सिखाया, ट्रेन किया और इस काबिल तक बनाया है। यहाँ का नेचर बहुत अच्छा है, सब ग्रीनीनेस है। तो ये थे मधुर सालुंके, जिन्होंने बहुत ही अच्छी और उन्होंने बहुत तारीफ़ की। हालांकि हम तो एक ज़रिया है, टैलेंट इनके अंदर भरा है, प्रतिभा इनके अंदर भरी है, हमारा काम है उसको बाहर निकालना। और मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसे स्टूडेंट मिले हैं जो वाकई में डेडिकेटेड है, समर्पित हैं कला को लेकर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत आगे जाएँ, इनकी जो है अपनी सफलता पाएँ, अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता, अपने गुरु, देश का नाम रोशन करें। इनके बाद मैं पूछना चाहता हूँ प्रकाश पुरोहित, कैसा लग रहा है आपको बेटा? सर, मुझे आके बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा पहला शूट है और ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू वेरी मच सर। प्रकाश बहुत ही एक्साइटेड हैं, वो कम ही शब्दों में बहुत कुछ बोल गए। उसके बाद मैं पूछना चाहता हूँ एक और हमारे टैलेंटेड स्टूडेंट जो कि मनीष शिंदे, जो दूसरी बार यहाँ शॉर्ट फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, इससे पहले भी कर चुके हैं और इनकी बहुत तारीफ हुई है और काफ़ी मुझे अच्छा लगा जब हमारे बच्चों की तारीफ होती है, बहुत खुशी होती है। मनीष बेटा, कैसा लग रहा है आपको? नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शिंदे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने सर के बारे में बता चाहता हूँ। हमारे सर बहुत अच्छे, उनकी वजह से मैं आज इस मुकाम तक आया हूँ। उनका आशीर्वाद हमारे साथ हर वक्त रहे और हमें वो सबसे पहले ये सलाह देते कि हमें अच्छा कलाकार बनने से पहले अच्छा इंसान बनना चाहिए। और मैं यहाँ पर एक शॉर्ट फिल्म के लिए आया हूँ जिनके साथ मैं दूसरी बार शॉर्ट फिल्म कर रहा हूँ। उनके साथ मुझे करके बहुत अच्छा लग रहा है, वो बहुत ही अच्छे है वहाँ पर। और यहाँ पर इतनी ग्रीनीनेस, इतनी हरियाली है, इसका वातावरण बहुत अच्छा है। थैंक यू। मनीष शिंदे बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही उम्दा कलाकार हैं और दूसरी बार ये शॉर्ट फिल्म में शॉर्टलिस्ट हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द ये बहुत आगे बड़े पर्दे पे भी दिखेंगे आप लोगों को। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं इनके साथ है। इनके बाद मैं पूछना चाहता हूँ दिलीप पुरोहित से। दिलीप, कैसा लग रहा है बेटा आपको? सर, मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं फर्स्ट टाइम इधर आया हूँ और मेरी ये फर्स्ट शॉर्ट फिल्म है। इधर बहुत सारी ग्रीनरी है और इधर गार्डन भी है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और शूट बहुत अच्छा है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे गिरिनाल सालुंके जी कुछ कहना चाहते हैं। मैं फिर से मतलब कि उपस्थित हुआ हूँ, इसका कारण यह है कि ये जो भी मतलब एक हम सब मतलब यहाँ पे उम्र का कोई बंधन नहीं है। आप देख रहे हैं कि 6 साल के, 8 साल के या 10 साल के बच्चे हैं और यहाँ पे मैं 46 साल का बच्चा भी हूँ, तो ये आपको मतलब कि देख के और सुन के ताजुब होगा। लेकिन धनसिंह सर यहाँ पे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक या 50 साल या 60 साल के बच्चे तक की वो बहुत ही खूब
खूबसूरत तरीके से समझाते हैं, उनका केयर करते हैं और उनमें वो सारा टैलेंट निकालने की पूरी कोशिश कर लेते हैं जो उनमें भरा पड़ा है। और ये सब और सब उनकी देन है और इसके लिए मैं हम पूरी टीम की ओर से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि इसके बाद एक हमारे दो और कलाकार हैं, हर्षिता राजपूत और कविता वानखड़े, जो अभी सीन कर रहे हैं अंदर, तो उनका भी मैं इंटरव्यू लूँगा और उनकी उनके विचार मतलब जानने की कोशिश करेंगे हम ब्रेक के बाद। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।